आपस में ही भिड़ रहे हैं आप और कांग्रेस नेता। अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग और प्रताप सिंह बाजवा 2019 के चुनावी आधार पर चाहते हैं सीटें। सीएम भगवंत मान ने कहा, आप अकेले लड़ना, जीतना और सरकार बनाकर चलना भी जानती हैं। मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि कांग्रेस के बिना अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। भले ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद फूले नहीं समा रहा हो, भले ही G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर के निमंत्रण पर राष्ट्रपति ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रपति ऑफ भारत लिखे जाने को विपक्ष इंडिया से डरना मान रहा हो, इंडिया की तीसरी मीटिंग समाप्त हो गई है और अभी तक कोई कॉमन एजेंडा विपक्ष की ओर से नहीं तैयार हुआ है। ऐसे में जब एनडीए ने सीटों के बंटवारे का काम करना शुरू कर दिया है तो विपक्ष के नेता आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और जो कर रहे हैं उसे संभाल लिया जा रहा है, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रदेश के नेता उलझते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली को प्रदेश अध्यक्ष बना देने के मामले को काफी हद तक संभाला गया है। भले ही पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह चौधरी, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन खुलकर केजरीवाल का विरोध करते रहे हो, पर लवली के अध्यक्ष बनते ही मामला फिलहाल शांत है। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग और विधानसभा के पक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इन नेताओं ने उम्मीद जताई है कि पंजाब में टिकट बंटवारे में प्रदेश की यूनिट का राय मशवरा लिया जाएगा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अकेले लड़ना भी जानती है, जीतना भी जानती है और सरकार बनाकर उसे चलाना भी जानती है। आपके मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि आप पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, वे लोग सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गोवा में आपके साथ कैसे कांग्रेस का गठबंधन होगा। पंजाब में कांग्रेस और आपके बीच महाभारत होने पर क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार के जदयू और राजद, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ ही दूसरे राज्यों में कांग्रेस को ऐसे ही सभी दल आंखें दिखाने लगे तो फिर इंडिया चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। चुनाव से पहले ही इन दलों के हित टकराने लगे हैं। ऐसे में फिर ये दल मिलकर कैसे लड़ पाएंगे। वैसे भी विपक्ष की शुरुआती लामबंदी में ही आप काफी कुछ गलत कर रही है। विपक्ष की पटना से हुई पहली मीटिंग से पहले ही आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यक्ष पर सभी विपक्षी दलों की सहमति को लेकर विवाद पैदा कर दिया गया था। जब पटना में उनकी इस बात पर कोई खास तवज्जो नहीं मिली तो वे अपने सिपा सलारों के साथ दिल्ली चले आए। ऐसे में दिल्ली की कांग्रेस नेताओं की बोलती केजरीवाल ने बंद करा दी, तो क्या पंजाब में भी आपका समर्थक नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।